हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी विद हर्षित दिस इज द पार्ट हर्षदार्टोर ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोलिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग का क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग जो है फंडामेंटल फंक्शन है मैनेजमेंट का इन एन ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व होता है मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटीज़ इसमें मॉनिटर करी जाती है और रेगुलेट करी जाती है एक्टिविटीज़ किस लिए इंश्योर करने के लिए कि वो जो है अलाइन कर रही हैं हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव हैं उनके साथ नहीं कर रही हैं अलाइन या नहीं अगर वो अलाइन नहीं कर रही होती हैं तो उनको रोका जाता है उनको मेजरेबल स्टेप लिए जाते हैं जिससे कि वो अपने गोल पर रहें और फिर उनको दोबारा से स्टार्ट कर जाता है प्राइमरी गोल क्या होता है द प्राइमरी गोल ऑफ कंट्रोलिंग इज इंश्योर दैट प्लांट एक्टिविटीज आर एग्जीक्यूटेड इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली जो हमारा प्राइमरी गोल होता है कंट्रोलिंग का ये इंश्योर करना होता है कि प्लांट जो एक्टिविटी है हमारी वो एग्जीक्यूट हो इफेक्टिवली और इफ़िशेंट एंड एनी डेविएशन फ्रॉम द सेट स्टैंडर्ड आर करेक्टेड अगर किसी भी तरीके का कोई डेविएशन होता है मतलब कि कहीं अलग जाता है हमारी जो सेट है हमारी कंट्रोल एक्टिविटीज तो उनको कंट्रोल करा जाए करेक्ट करा जाए और जो हमारे सेट स्टैंडर्ड है उनके अकॉर्डिंग उनको प्लान करा जाए उसके बाद दोबारा से उन्हें रन करा जाए सम की एस्पेक्ट ऑफ द रोल ऑफ कंट्रोलिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन नंबर वन है हमारा अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनलिंग जो है प्लांट परफॉर्मेंस जो कंट्रोलिंग होती है अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये जो है कम्पेयर करती है परफॉर्मेंस जो हमारी परफॉर्मेंस हमारी एक्चुअल होती है और जो हमने प्लांट करी गई होती है उनमें क्या अंतर है अगर कोई गैप ज्यादा आ रहा है आइडेंटिफाई करा जाता है करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं और उसे ट्रैक करा जाता है कंटिन्यूस जिससे कि हमारे जो करेंट जो हमारी एक्टिविटीज है वो हमारे गोल को अचीव करने वाली हो ना कि वो एक्टिविटीज जो है हमारी उस गोल को अचीव ना करने वाली उन्हें अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो करेक्ट करा जाएगा और दोबारा से उन्हें जो है अलाइन करा जाएगा विद द प्लांट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कंट्रोलिंग इनवॉल्व मेजरिंग इंडिविजुअल डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल ये जो है आइडेंटिफाई करने में एरिया ऑफ सक्सेस और एरिया डेट नीड इम्प्रूव इससे आइडेंटिफाई होता है किसी एरिया में हमें सक्सेस मिल रही है और किसी एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ये जो है साथ ही साथ फैसिलिटेट करता है एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस अप्रेजल फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोलिंग जो है प्रोवाइड कराता है फीडबैक मैकेनिज्म कैसे है बाई कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लांट परफॉर्मेंस जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है वो कंपेयर करी जाती है प्लांट परफॉर्मेंस के द्वारा और के साथ और जो है ये फीडबैक है हमें फीडबैक देता है इसकी हेल्प से जो है मैनेजमेंट जो है समझ सकता है कि हमारा जो वर्क है उसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत है या नहीं इट टाइमली टाइमली डिसीजन डिसीजन मेकिंग ये जो है करता है करता मेकिंग एंड एडजस्टमेंट टू एंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन द राइट पाथ इसकी वजह से ही जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है एडजस्ट कर सकती है अपना जो है जो हमारा डिसीजन है जो हमारा वर्क है वो करेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं या किसी जगह पर हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है डिसीजन मेकिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ थ्रू द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज क्रिशुअल फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होती है हमें कंट्रोलिंग प्रोसेस के द्वारा ये जो है इम्पोर्टेंट होती है किस लिए फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग मैनेजर्स कैन इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस डेटा हेल्पिंग दैम एलोकेट रिसोर्स मेक एडजस्टमेंट टू प्लान एंड इम्प्रूव ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल एफिशेंसी मैनेजर जो है इंफॉर्म डिसीजन बेस्ड परफॉर्मेंस डेटा करते हैं कोई भी अपना डिसीजन लेते हैं तो वो, उन वो पूरा डेटा होता है उनके पास किस तरीके की हमारी परफॉर्मेंस है कहाँ पर हमें एडजस्टमेंट की जरूरत है किस तरीके से हम अपनी जो है परफॉर्मेंस जो है हमारा जो प्लांट अचीव करने का है उसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए जो है डिसीजन मेकिंग करा जाता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन कंट्रोलिंग एंश्योर इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्स एज ह्यूमन फाइनेंशियल एंड मेटेरियल रिसोर्स कंट्रोलिंग जो है इंश्योर करता है इफिशियंट यूज हो रिसोर्स का जैसे कि ह्यूमन फाइनेंशियल और मेटेरियल रिसोर्स कैसे बाई मॉनिटरिंग रिसोर्स यूजेज मॉनिटर करके रिसोर्स यूजेज मैनेजर कैन आइडेंटिफाई एरिया ऑफ वेस्टेज मैनेजर आइडेंटिफाई कर सकता है कि एरिया में वेस्टेज हो रहा है इन एफिशियंसी हो रही है मिस यूटिलाईजेशन हो रहा है एंड टेक करेक्टिव एक्शन उसके करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं किस लिए टू ऑप्टिमाइज करने के लिए रिसोर्स एलोकेशन नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल कंट्रोलिंग प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल वाइटल रोल इन मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस कंट्रोलिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेंटेन करने में इंप्रूव करने में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेस एडेप्टन टू चेंज

टेक्नोलॉजी वाई कोई अलग अदर फैक्टर हैं उन सभी को आइडेंटिफाई करना और उनको अडेप्ट कंट्रोलिंग हेल्प करता है इसी चीज़ में आइडेंटिफाई करने में कब हमें नीड है चेंज करने फैसिलिटेट करता है एडजस्टमेंट ऑफ प्लान्स और साथ ही साथ स्ट्रेटजीज जिससे कि हम जो है एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस से हम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल सिक्योर रख सकें और कॉम्पटिशन में बने रहें नेक्स्ट हमारा लीगल कंपाइलेंस कंट्रोलिंग एंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स विद इन द दीगल फ्रेम एंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो हो ऑपरेट ये जो है विद इन लीगल फ्रेमवर्क हो बाई ऑर्गेनाइजेशन कैन आइडेंटिफाई एनी डेविएशन फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई कर सकती है किसी भी तरीके का डेविएशन होता है अगर लीगल रिक्वायरमेंट से अलग और टेक लिए जा सकते हैं करेक्टिव एक्शन किस लिए अवॉइड करने के लिए लीगल इशू और पेनल्टीज फ्रेंड्स ये थे सम की एस्पेक्ट ऑफ ऑफ कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ हमने समझा कंट्रोलिंग क्या होता है इसकी डेफिनेशन ये था क्वेश्चन नंबर फोर है एक बार आप सभी को जरूर देखें इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पिंटेस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम